जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड कंपनी के बारे में। आपको मैं बताऊंगा कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट होने के पीछे के मुख्य वजह क्या है, शेयर के प्राइस में जो लगातार गिरावट हो रही है वो गिरावट कहाँ तक जाके ठहरेगी, कहाँ पे प्राइस जाकर सपोर्ट लेगा और वहां से फिर प्राइस बढ़ना शुरू होगा, ताकि जो भी लोग लॉस में हैं इस स्टॉक में वो प्रॉफिट मार सकें, उन्हें ये जान के खुशी होगी कि कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई। अब बहुत बड़ी गिरावट इसमें होने की चांस बहुत कम है, लगभग प्राइस अपने सपोर्ट के पास आ गया, यहाँ से प्राइस अब उठने ही वाला है। आगे हम लोग चार्ट पर इसको समझेंगे और भी तमाम डिटेल इस स्टॉक में देने वाला, जैसे कंपनी के क्वार्टर टू के नंबर के लेकर क्या अपडेट आए हैं। चलिए, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग आसान भाषा में कवर करने की कोशिश करते हैं। हमें एक बात यहाँ पर समझना होगा, फैशन जो फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड कंपनी है, फैशन नाम में लगा हुआ है, वाकई कंपनी फैशनेबल है। कंपनी काम क्या करती है मैं आपको बताऊं तो कंपनी सॉक्स बनाती है। आप लोग कहेंगे ये तो सॉक्स बनाने वाली कंपनी, बहुत छोटी कंपनी, छोटी कंपनी है दोस्त, यहाँ से 700 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है, मार्केट कैप के हिसाब से भी कंपनी आपको स्मॉल कैप श्रेणी में नजर आएगी। और ये कंपनी जो सॉक्स बनाती है ना, आपको बताऊं मैं 10 सालों से इस देश यूरोपीय जो सॉक्स मार्केट है उस पर इसने दबदबा बनाए रखा है। आपको मैं बता दूं कि ये जो कंपनी है फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड, अत्याधुनिक तकनीक और बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करके उच्च गुणवत्ता वाले मोजे बनाते हैं, यानी कमाल के जो भी कंपनी काम करती है उसमें नंबर वन है। आप ऐसे समझिए, यदि आप छोटा भी काम करते हैं और यदि आप उसमें नंबर वन है तो आपकी पूछ ज्यादा होगी, लोग आपके बारे में ज्यादा सुनेंगे और आपके पास आएंगे ऑर्डर देने के लिए। तो जाहिर सी बात है कंपनी जब काम अच्छे करती है तो ऑर्डर्स को ज्यादा मिलते हैं। यही वजह है कंपनी के शेयर प्राइस भले कम है लेकिन मार्केट कैप कंपनी के ज्यादा है, क्योंकि अभी शेयर प्राइस तो अभी कम हो रहा है ना, मार्केट कैप देखिए कब बढ़ता है शेयर के प्राइस बढ़ने से। तो ये समझिए कंपनी ने सिर्फ मोजे बेच बेच के एक पेनी स्टॉक से स्मॉल कैप श्रेणी की कंपनी बन गई, तो इसमें कहीं ना कहीं दम है, आपको ये बात समझना होगा। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करके चलिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से यदि आपने इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप उतना होगा ही, लॉन्ग टर्म में स्टॉक बेहतर परफॉर्म करेगा, आपको ये समझना होगा। कंपनी के फंडामेंटल भी ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि 700 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है, प्लस यहाँ पे देखिए स्टॉक का पीई भी बहुत किफायती है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी माइनस में नहीं है, 1% के आसपास है, जो कि एक छोटे से स्टॉक जो कि यहाँ आप शेयर प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो ठीक है। सबसे पहले नीचे चार्ट पे आइए, 1 साल के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि प्राइस लगातार नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। आप तो कहेंगे कि प्राइस तो अभी भी डाउन ट्रेंड में है, लेकिन वही जब मैं यहाँ 5 साल का मतलब ग्राफ ओपन करता हूँ तब चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए 5 साल के चार्ट पर देखने को मिलेगा कि ये 1 रुपये का लेवल है, लगभग 1 रुपये का लेवल, 2 रुपये का लेवल एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है, लगभग यहीं पे भी प्राइस अपना आकर घूम रहा है, घूम क्या रहा है, बहुत से लोग कह सकते हैं प्राइस तो और नीचे आ रहा है, तो नीचे थोड़ा बहुत आ सकता है, बहुत ज़्यादा नीचे आने के चांसेस कम है, ज़्यादा नीचे आएगा अभी तो। देखिए ये जो आप लेवल देख रहे हैं 60 पैसा का लेवल है, यहीं पे प्राइस बहुत दिनों तक एक मतलब कह सकते हैं कि इसने समय बिताया था, ना तो प्राइस नीचे आया ना ऊपर गया, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक दायरे में स्टॉक फंसा रहा। तो अगर 1 रुपये से नीचे आता भी है तो हो सकता है कि इसी लेवल के आसपास आकर फिर ये मतलब ठहराव ले, सपोर्ट ले और यहीं पे आकर फिर ये स्टॉक समय बिताएगा और समय बिता के यहीं से प्राइस फिर ऊपर निकलेगा, बाउंस बैक करेगा। तो आपको घबराना नहीं, मैं फिर कहता हूँ 1 रुपये तक आ गया है, बहुत ज़्यादा नीचे आएगा तो और 60 पैसा के लेवल तक आ सकता है, उसके नीचे जाने के चांसेज नहीं है। तो अगर अभी तक आप इस स्टॉक में रुके हुए हैं, अब जैसे मान लीजिए बहुत से लोगों ने क्या किया होगा कि एकदम टॉप पे बाई किया होगा, कुछ लोग यहाँ पे बाई किए होंगे, कुछ लोग यहाँ पे बाई किए होंगे, कुछ यहाँ पे बाई किए होंगे, तो हो सकता है कि वो लोग अभी तक रुके हुए हो। तो रुके हुए तो दोस्तों आपने कुछ गलत नहीं किया, आप थोड़ा और समय दीजिए, क्योंकि प्राइस को जितना गिरना था गिर गया है। आप यहाँ से भी स्पष्ट देख सकते हैं कि प्राइस अब ऐसे नीचे नहीं आ रहा है, यहाँ से देखिए थोड़ा थोड़ा प्राइस आके ऐसे सपोर्ट बना रहा है, देख रहे हैं ये। तो आपको थोड़ा इसमें पेशेंस रखना होगा, प्राइस सपोर्ट लेके प्राइस अब ऊपर उठने की तैयारी में, प्राइस जल्दी ऊपर उठते हुए आपको नजर आएगा। अब दूसरी चीज, सबसे पहले बीएससी की वेबसाइट पर चलते हैं, यहाँ पे आपको मैं कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ। बीएससी के वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक ईएसएम स्टेज 2 में है। जब कोई स्टॉक ईएसएम कैटेगरी में होती है तो नेगेटिविटी तो मार्केट में होती ही है, तो एक ये टेंशन है, प्लस कंपनी के जो Q1 के नंबर आए थे वो अच्छे नहीं आए थे। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट हुआ है, ये नीचे जब देखेंगे क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो का हाल ही के दिनों का ये अपडेट है। क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो का मतलब हुआ कि जब भी ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी जाती है तो कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर आने वाले होते हैं, तो Q1 के नंबर तो ऑलरेडी आ गए हैं, तो अभी कंपनी के Q2 के नंबर आएंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि Q2 के नंबर अच्छे आएंगे, और यदि Q2 के नंबर अच्छे आते हैं तो जाहिर सी बात है
प्राइस तो अब सपोर्ट लेने ही लगा है, आपने जैसे मैंने वहां दिखाया है 1 रुपए के आसपास आके प्राइस सपोर्ट लेने लगा है और क्वालिटी के नंबर भी अच्छे आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मतलब यहाँ मजबूती काम करेगा और फिर प्राइस यहीं से बाउंस बैक करके ऊपर उठेगा। तो क्वार्टर 2 के नंबर उम्मीद है कि इस मंथ के लास्ट तक आ जाएंगे, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने या घबराने की बात नहीं है। ओवरऑल बात यह है कि फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से जब आप कंसिडर करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से पैसा लगाए हैं तो आप कम से कम क्वार्टर 2 के नंबर आने तक वेट कीजिए। क्वार्टर 2 के नंबर अच्छे आएंगे आपका इसमें पैसा ठीक ठाक बन जाएगा, आप बाहर हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है समझ में आया होगा। मन में कोई भी सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।